शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की गाजियाबाद में जनसभा के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने गाजियाबाद में जनसभा को संबोधित किया और सत्ताधारी दल पर हमला करते हुए सवाल पूछा कि सत्ताधारी दल ये बताए कि उसने 5 साल में क्या काम किया। प्रधानमंत्री मोदी गाजियाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव कौन विधायक बने या कौन नहीं बने इसका निर्णय करने के लिए नहीं है, किस स्तर की सरकार बने या ना बने इसका फैसला करने के लिए भी नहीं है। उन्होंने सत्ताधारी दल पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें यूपी में पिछले 5 साल के काम का हिसाब देना चाहिए। बिना उत्तर दिए उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे। पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा के राज्य में योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं दी जाती, भर्तियों में घोटाले हुए हैं। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जनसभा के दौरान। आज गाजियाबाद में जनसभा को संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो सत्ताधारी दल पर जोरदार हमला प्रधानमंत्री मोदी का, और साथ ही ये सवाल भी कि 5 साल में क्या काम किया उसका हिसाब देना चाहिए सपा सरकार को। बिना उत्तर दिए उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे। दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय दे के रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। आप मुझे बताइए, यहां जितने भी लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं उन लोगों ने अपने चुनाव प्रचार में जो लोग सरकार में है उन्होंने 5 साल के हमके काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सपा वालों ने 5 साल उन्होंने क्या किया इसका उत्तर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी उत्तर नहीं देते हैं तो ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे। जिस राज्य में आपके रहते हुए आपके परिवार में इतनी महिलाओं को आपने नेता बनाया है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है, क्या कारण है। तो इधर गाजियाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, तो उधर बदायूं और शाहजहांपुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैलियों को संबोधित किया और अखिलेश यादव को लिया निशाने पर। मायावती ने कहा कि सपा का सीएम का चेहरा दागी है। तो शाहजहांपुर और बदायूं में रैलियों को संबोधित किया बीएसपी सुप्रीमो ने। सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था या अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, जिसके साथ अब यहाँ कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। दागी चेहरे को अपना वोट देंगे या फिर इसके स्थान पर इन सभी तत्वों का सफाया करके या हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। सपा सरकार ने यहाँ हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा है। तो उधर रैलियों को संबोधित करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब ये भरोसा पुलिसकर्मियों को दिया कि अगर सरकार बनती है बीएसपी की तो जो पुलिसकर्मी अवकाश नहीं ले पाते हैं उनको कैश में भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही ये भी कहा कि बॉर्डर स्कीम को खत्म कर दिया जाएगा। तो छुट्टी के दौरान पुलिसकर्मी जो अवकाश नहीं ले पाते हैं उसको लेकर मायावती ने कहा कि उनको कैश में देने की भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही ये भी कहा कि सरकार बनने पर बॉर्डर स्कीम को खत्म कर दिया जाएगा। पुलिसकर्मियों को
पुलिस कर्मियों को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव होने से कुछ समय पहले तत्कालीन डीजीपी द्वारा मुझे बताए बिना ही खुद ही आदेश जारी करके या पुलिस कर्मियों को बॉर्डर स्कीम के तहत उनको होम रेंज से दूसरे रेंज के जिलों में तैनात कर दिया गया था। लेकिन जब ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया तो मुझे लगा कि ये फैसला उचित नहीं है, जिसे अब सरकार बनने पर इनकी इस बॉर्डर स्कीम को खत्म कर दिया। पुलिस विभाग के कर्मचारी अपनी ड्यूटी के चलते अक्सर अपने अनुमन्य अवकाश का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए पांच सरकार बनने पर पुलिस कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण की सुविधा को भी पुनः बहाल कर दिया जाएगा। और उधर बिजनौर में अखिलेश यादव जमकर विरोधियों पर गरजे। तो बिजनौर में अखिलेश यादव जमकर गरजे विरोधियों पर। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हम लोगों को बड़ी मुश्किल से साइकिल मिली है, साइकिल पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। ये तमाम बातें अखिलेश यादव की तरफ से बिजनौर में। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दोस्ती ज्यादा दिन चले इसलिए ज्यादा सीटें दी हैं। और क्या कुछ कहा सुनिए। बड़ी खबर यह कि गाजियाबाद में बीजेपी का आरएलडी को खुला ऑफर प्रत्याशी को चुनाव ना लड़ने को लेकर दिया गया है। आपको बता दें, मतदान से पहले आरएलडी प्रत्याशी को बिठाने के लिए ऑफर, शहर विधानसभा से आरएलडी प्रत्याशी को 2 करोड़ का ऑफर। बीजेपी समर्थक ने कहा 2 करोड़ लो और चुनाव मत लड़ो। डील करने वाले प्रत्याशी का वीडियो वायरल हुआ है। 2 करोड़ की डील पर चुप्पी साधे हैं बीजेपी के बड़े नेता। बड़ा सवाल यह है कि क्या गाजियाबाद में डील से पार लगेगी बीजेपी की नैया। ये सब चीज मीडिया में वायरल क्यों? जितनी मेरी बुद्धि है भाई साहब, सुनो मेरी बात। जितनी मेरी बुद्धि है, ये बुद्धि वालों को देश का नाश किया है। चार लाख वोट लाइन से तो केस घर में नहीं करेंगे। कौन सा सुबह शाम भागा दौड़ी कर रहे हैं, फालतू में कर रहे हैं। मेरी बेचारी बेटी बेचारी देखो बीमार है, उठ उठ के सुबह सुबह भग रही है। सब माउंटेन मेरे लिए वोट मांग रहा है, मेरे लिए बुजुर्ग देखो बुड्ढे हैं, वो बुड्ढे बैठे जिनको बीमार है वो उठ उठ के भग रहे हैं, सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए भग रहे हैं, वो काम के लिए भग रहे हैं, वो किसी मेरे लिए मुझे पैसा भी दे रहे, चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं गरीब हूँ लोगों को, मैं रमेश चंद तोमर नहीं हूँ। भाई साहब, जो आदमी अपने को धर्मधर मानता हो, 4 कदम देख रहे भैया, घर में अभी घर पे है तो बाद में बात करेंगे। मैंने आपसे मंच के लिए कैसे बोल दिया? मैंने मंच के लिए नहीं बोला इनसे। मैंने कहा जी अगर आप उसे समझे तो हमने जी सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हो, आपने सम्मान की लड़ाई लड़ी है, सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हो जी। जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वो चीज समझेंगे जी हम, है ना जी। दिल्ली गेट पे यहाँ लाइन पर क्या हिम्मत हुई तुम्हें पढ़ने की? किसके रिश्तेदार हो आप?
किसके रिश्तेदार हो? किसके रिश्तेदार हो? विपिन कौन? किसके रिश्तेदार हो? अरे अरे कौन आया बैठा है भाई साहब? हम नहीं आए, नहीं हम तो हम कोई बात नहीं। विपिन अग्रवाल को उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। विपिन आप किसकी तरफ से आए हो? मैं तो अपने खुद आया हूँ। मीडिया फोन करो जो आप क्यों आए, किस लिए आए? हमारे चुनाव में किस लिए मिलना? क्योंकि सम्मान की लड़ाई भाई साहब फर्जी लड़ रहे हैं, सम्मान की लड़ रहे हैं। इन्हें कोई पैसे जरूरत नहीं है, इन्हें केवल सम्मान की जरूरत है और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। सम्मान बीजेपी देगी मुझे तो सोच रहा था कि सर ये सब चीज मीडिया में बाहर निकल सकती है। इतनी बुद्धि है भाई साहब, सुनो मेरी बात। इतनी बुद्धि है, ये बुद्धि वालों को शिकायत मुझे आप जैसे लोगों ने देश का नाश किया है। छोटा रहने वालों को ऐसे लोग के दो चार आदमी है ना, उनको बैठा कर दिया, माफ कर दिया। अभी करा था सब हमारे 3 लाख वोट है जिनके पहले वही 4 लाख वोट लाइन मार से तो केस आओ भाग लो। छोटा खड़े होंगे घर में नहीं करेंगे। कौन सा सुबह शाम भागा दौड़ी कर रहे हैं, फालतू में कर रहे हैं। मेरी बेचारी बेटी बेचारी देखो बीमार है, उठ उठ के सुबह सुबह भग रही है सब। माउंटेन मेरे लिए वोट मांग रहा है, मेरे लिए बुजुर्ग देखो बुढ़े हैं, वो बुढ़े बैठे जिनको बीमार है वो उठ उठ के भग रहे हैं। सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए भग रहे हैं, वो काम के लिए भग रहे हैं, वो किसी मेरे लिए मुझे पैसे भी दे रहे, चुनाव लड़ा रहे। मैं गरीब हूँ लोगों को, मैं रमेश चंद तोमर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। भाई साहब जो आदमी अपने को धर्मधर मानता हो, तो बीजेपी दावे तो बड़े बड़े कर रही है लेकिन फिर पीछे के दरवाजे से ये डील क्यों, बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आइए आज दिन भर नेताओं ने क्या कुछ बयानबाजी की, दिखाते हैं आपको माइकॉन के जरिए। अखिलेश जी जब चुन करके आए, हमें लगता था ये नौजवान है, कुछ पढ़ा लिखा है, जरूर कुछ उत्तर प्रदेश में अच्छा करने की कोशिश करेगा। इन 5 साल के भीतर भीतर आपने निराश करके रख दिया, उत्तर प्रदेश का विनाश करके रख दिया। पुलिस कर्मियों को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव होने से कुछ समय पहले तत्कालीन डीजीपी द्वारा मुझे बताए बिना ही खुद ही आदेश जारी करके जब पुलिस कर्मियों को बॉर्डर स्कीम के तहत उनको होम रेंज से दूसरे रेंज के जिलों में तैनात कर दिया गया था। लेकिन जब ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया तो मुझे लगा कि ये फैसला उचित नहीं है, जिसे अब सरकार बनने पर इनकी इस बॉर्डर स्कीम को खत्म कर दिया जाएगा। सबसे अमीर 50 लोगों के पास हिंदुस्तान का कितना प्रतिशत धन है मोदी जी की सरकार के नीचे के अंदर? आज हिंदुस्तान का 60% धन सिर्फ 50 परिवारों के हाथ में है। जनता के संपर्क में रहा, उनके सिद्धुक में खड़ा हुआ और विपरीत परिस्थितियों में जो मैंने विकास कार्य कराए उसका लाभ मुझे मिल रहा है। और जहाँ भी जा रहा हूँ सब लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और ये इस बात का संकेत है कि जो भारतीय जनता पार्टी है मसूरी विधानसभा की सीट को भारी मतों से जीतने जा रही है और जो परिवर्तन की आंधी पूरे प्रदेश में है उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होने जा रही है। कांग्रेस की हरीश रावत जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक भ्रष्टाचारी सरकार के रूप में करार दिया है, उससे वो छुट्टी पाना चाहते हैं। और जिस तरीके से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और देश एक विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहा है, उसके फल उत्तराखंड में भी होने मिलने चाहिए। बड़े जनता की आंखों में कैसे धूल झोंकते हैं, इतने दिनों तक सरकार चला ली लोगों ने, कहते हैं मैं क्या करूं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं मैं क्या करूं।
हमारे चाचा हमको काम नहीं करने देते, फिर कहते हैं कि हमारे बाप हमको काम नहीं करने देते, फिर कहते हैं कि हमारे भाई हमको